टुडे फर्स्ट यू आर वेलकम इन माय दिस वीडियो क्लास ऑफ क्लास 12th बॉयज एंड गर्ल्स इन माय प्रीवियस वीडियो लास्ट वीडियो आई टॉट यू ऑल इन ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन आई एम टीचिंग यू ऑल ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुडे टॉपिक्स ऑन विच वी शैल डिस्कस इज टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंटू असर्टिव नाउ अगेन फोकस द टॉपिक्स वी ऑन विच वी विल डिस्कस टूडे टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंटू असर्टिव मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग जो विषय पढ़ेंगे जिस पर चर्चा परिचर्चा होनी है व्याकरण में वो है ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लेकिन आपको रिवाइज एक बार फिर कराना चाहता हूँ वो है टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव इट इज़ आवर टॉपिक्स ऑफ करंट डे ऑन विच वी हैव टू डिस्कस आज जो हमको पढ़ना है जो हमको पढ़ाना है वो हमारा विषय वस्तु है ट्रांसफॉर्मेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो परिभाषा होती है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांस का मतलब होता है टू चेंज और फॉर्म माने होता है रूप किसी वाक्य के अर्थ में परिवर्तन किए बिना उसके रूप में परिवर्तन कर देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है यू हैव स्टडीड द डिफिनीसन इन योर प्रीवियस क्लास 11th. Now I am revising the definition of transformation. You listen to me again. आप हमको फिर से सुनिए जो परिभाषा है कि किसी वाक्य को अर्थ में परिवर्तन किए बिना एक बार फिर सुनिए आप listen to me again and again. Until you keep my definition in your mind, किसी वाक्य को उसके अर्थ में परिवर्तन किए बिना उसके रूप में परिवर्तन कर देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है अब हमको आशा है कि आप को आ गया होगा और ट्रांसफॉर्मेशन में आज जो हमारी जो टॉपिक्स है जो हमें पढ़ना है और पढ़ाना है आज के दिन जो है वो है टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव एक्सक्लेमेटरी के वाक्यों को असर्टिव में बदलना क्या व्हाट इज द टॉपिक्स ऑन विच वी विल डिस्कस टुडे करो जाओ बताओ क्या विषय है जिस पर आज हमको चर्चा करना है आज हमारे क्लास का क्या विषय है जिसमें हमको पढ़ना और पढ़ाना है आज हमारे क्लास का विषय है कि एक्सक्लेमेटरी के वाक्यों को विस्मय सूचक के वाक्यों को असर्टिव में बदलना यही हमारा आज का विषय वस्तु है इसी पर हमको आज
चर्चा करना है, परिचर्चा करना है। तो बच्चों ये पहला सिस्टम है, मैंने लिखा है, आपको लिखवा दिया हूँ, जो लोग नहीं लिखे एक बार फिर से लिख लीजिए कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट ए या हाउ से शुरू हो, आप लोग नोट कर लीजिए सभी लोग, कि अगर, बहुत लोगों के पास तो कलम ही नहीं है, क्या लिखेंगे आप लोग, हैं, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट ए या हाउ से शुरू हो तो असर्टिव में बदलते समय व्हाट ए या हाउ को हटा करके उस वाक्य को हम कर्ता से शुरू करते हैं तथा एडजेक्टिव से पहले बेरी का प्रयोग करते हैं। ये हमारा नियम है। आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है कभी कभी व्हाट ए से और हाउ से शुरू होता है, क्योंकि मैंने इसके पहले आपको असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में बदलना आपको सिखाया है, जहां मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट ए कब लगता है, हाउ कब लगता है, और उसी का हमको अपोजिट करना है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका व्हाट ए हाउ से शुरू हो तो जब उसको, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका व्हाट ए हाउ से शुरू हो तो असर्टिव में जब आप बदलिएगा तो इस व्हाट ए या हाउ को हटा दीजिएगा और इसको हटा करके उस वाक्य को बच्चों कर्ता से शुरू करिएगा। किससे शुरू करना है, इसको रिमूव करिए, इसको हटाइए, व्हाट ए को और हाउ को, इसको रिमूव करेंगे, इसको हटाएंगे हम व्हाट ए और हाउ को, और इस वाक्य को हम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे तथा एडजेक्टिव से पहले हम बेरी का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा नियम है। हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, व्हाट ए अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। एक उदाहरण मैंने लिखा है, व्हाट ए अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, कितना दुखी जीवन वह जीता है। तो आपने कहा है कि ये देखिए आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्यों है, पूछ सकता हूं कि क्यों एक्सक्लेमेटरी है। आपको पता है, यू नो दैट देयर आर फाइव काइंड ऑफ सेंटेंसेस। इफ आई वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज, ये पांचों में से कौन सा सेंटेंस है आप बता दीजिए, असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, तो आप बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो कि यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। भाई सिंग दिस एक्सक्लेमेशन मार्क, यू कैन वेरी इजिली से दैट दिस सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देर आर टू, शाइन ऑन विच बेस यू कैन से दैट दिस सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वन इज योर दिस सेंटेंस इज स्टार्टिंग व्हाट ए एंड यू फाइंड एक्सक्लेमेशन मार्क एंड ऑफ द सेंटेंस, सिंग बोथ थिंग्स व्हाट ए एंड एक्सक्लेमेशन मार्क यू कैन से दैट दिस सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मेरे बच्चों इस व्हाट ए को देखकर और इस विस्मय सूचक चिन्ह को देख करके आप कह सकते हो कि यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो अब ये एक्सक्लेमेटरी है, ये कह रहा है कि इसको व्हाट ए को हटा दो और इसको कर्ता से शुरू करो। इसमें कर्ता, जैसा कि आपको पता है, एज यू नो दैट ही इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ही इसका कर्ता है, यही ही जो है इसका क्या है, सब्जेक्ट है। तो
तो इससे हम शुरू करते हैं ही। आपको पता है कि हमेशा कर्ता के बाद ही वर्ब आता है, तो इसका वर्ब जो है यह है लीड्स, तो ही लीड्स, ही लीड्स। और अब ये कहता है कि एडजेक्टिव से पहले बेरी लगाओ, तो इसका एडजेक्टिव क्या है, अनहैप्पी, तो अनहैप्पी इसका विशेषण है, यही अनहैप्पी इसका विशेषण है, इसके पहले आप बेरी लगा दीजिए। ही लीड्स ए, ही लीड्स, ही लीड्स ए अनहैप्पी लाइफ, ही लीड्स वेरी अनहैप्पी लाइफ, अनहैप्पी लाइफ। अब यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा, क्यों फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि ही जो है अब ये आपका एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस जो है ये असर्टिव हो गया है, एंड एज यू नो दैट इन असर्टिव सेंटेंसेज वी यूज फुल स्टॉप एंड ऑफ द सेंटेंस। ऐसा कि हमको पता है कि असर्टिव के वाक्यों में हमेशा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। इन दिस वे वी हैव कन्वर्टेड दिस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। इस तरीके से हमने जो है इस एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस को असर्टिव में परिवर्तित कर दिया है। एक आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं बेहतर समझने के लिए आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूँ, जिससे हमें आशा है कि आप इस उदाहरण से और अच्छे से आप समझेंगे और आप हमको, यू आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम टीचिंग नाउ, आई एम गिविंग यू मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको एक और जो है उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ कि आपको जो समझने में दिक्कत हुआ है उसको आप जो है और अच्छे से समझें। तो हाउ फियरफुल द स्नेक इज, द स्नेक इज। तो आपको मैं दूसरा, आई एम गिविंग यू आर सेकेंड एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू टू कन्वर्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव। मैं आपको इस समय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में आपको बदलना आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आपको मैंने कहा कि अभी देखिए बच्चों एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि यहाँ भी विस्मय सूचक का चिन्ह लगा हुआ है, वाक्य हाउ से शुरू है। तो आपको हमने लिखा दिया है कि अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू हो तो हम हाउ या व्हाट को हटा देते हैं, वाक्य को हम कर्ता से शुरू करते हैं। इसका कर्ता है द स्नेक, तो द स्नेक। और हमेशा आपको पता है, आपको जानकारी है, जानकारी होनी चाहिए कि हमेशा कर्ता के बाद ही क्रिया लगाई जाती है। हमेशा फाइनाइट वर्ब जो होता है वो फाइनाइट वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। हमेशा फाइनाइट वर्ब जो है, जो मुख्य क्रिया होती है, वो कर्ता के बाद ही प्रयोग की जाती है। तो द स्नेक इज वेरी वेरी वी ई आर वाई वेरी फियर फुल। तो इन दिस वे अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। क्यों फुल स्टॉप लगाएंगे, आपको पता है कि यह वाक्य अब आपका असर्टिव में बदल चुका है, और इन असर्टिव सेंटेंसेस वी ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाई फुल स्टॉप। तो अब हम इस तरीके से आपको हमने दो उदाहरण दिया, अब आपको हम इससे आगे ले चल रहे हैं। अब आप नोट करिए जो है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लिखिए आप सब लोग अपनी कलम से लिखिए कि अगर एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस सेंटेंसेस अगर एक्सक्लेमेटरी के वाक्य जो हैं ओ ओ अगर एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस जो हैं ओ ओ इफ उड इफ उड से शुरू हो तो हम असर्टिव में बदलते समय असर्टिव में आप लिखते चलिए मेरे साथ साथ अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ओ ओ इफ उड से शुरू हो तो हम असर्टिव में बदलते समय विस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विस का प्रयोग करते हैं। मेरे बच्चों अब आप जान जाइए कि कभी कभी आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो हाउ से शुरू होता है, कभी कभी व्हाट ए से शुरू होता है और कभी कभी जो होता है ए ओ से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? ओ। जैसे आपका एक उदाहरण है, आपका एग्जाम्पल है ओ दैट। क्या है? ओ दैट आई वेयर ए बर्ड। ओ दैट आई वेयर ए बर्ड। ये देखिए आपका विस्मय सूचक का चिन्ह है, यहाँ इसको आपको असर्टिव में बदलना है। तो ओ दैट अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि पहले तो आप पहचानिए कि आपका ये वाक्य किस प्रकार का है। पांच प्रकार के वाक्य आप जानते हो इसको मैंने अभी मेंशन किया है, तो उन पांचों में से यह किस प्रकार का वाक्य है? उन पांचों में से यह आपका एक्सक्लेमेटरी का वाक्य, क्योंकि यहाँ पर हमेशा इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यू ऑलवेज फाइंड एक्सक्लेमेशन मार्क। एज यू नो, आपको जैसा कि पता है कि एक्सक्लेमेटरी के वाक्यों में हमेशा विस्मय सूचक का चिन्ह लगा होता है, इसलिए यह विस्मय सूचक का वाक्य है। अब ओ दैट आपके मन में आता कि ये ओ दैट का मतलब क्या होता है? ओ दैट का मतलब होता है काश। क्या होता है? काश। काश एक प्रकार का प्लांट भी है, घास है। काश काश मैं एक पक्षी होता। तो इसको आप हम इसको मैंने कहा कि ओ दैट, इसको हम लिख सकते हैं आई विस। हमने कहा कि हम अब विस का प्रयोग करेंगे। विस आई विस दैट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दैट आई वेयर ए बर्ड। आप यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, क्यों? क्योंकि अब आपका एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में हो गया है। इस हमने ओ दैट को वी हैव कन्वर्टेड ओ दैट इंटू विस। हमने ओ दैट को कन्वर्ट कर दिया है विस में। तो इस तरीके से जो है यह वाक्य अब जो है आपका असर्टिव हो गया है। तो अब आपको मैं एक और उदाहरण दूं, जैसे आपका है वुड दैट दे वेयर सेफ। वुड वुड दैट दे वेयर सेफ। देखिए यह सेंटेंस भी जो आपका है एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ भी विस्मय सूचक का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसको भी हमको असर्टिव में बदलना है। इस समय हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलना। तो उड दैट, अब आपके मन में ये कि उड दैट का मतलब क्या होता है? उड दैट का मतलब बच्चों होता है काश। क्या होता है? काश। तो इसको हम लिख सकते हैं कि आई विस दैट दे वेयर सेफ, दैट
वेयर सेफ, ये हमारा यहाँ पर लग गया है फुल स्टॉप, ये असर्टिव आपका जो है। बस थोड़ा सा इस पर हम और चर्चा करेंगे। इस समय हम लोग जो है पढ़ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलना। अब कभी कभी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, कभी कभी, एक आप नोट करिए, कहते जाइएगा कॉपी पर नोट करिए, कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सभी लोग लिखिएगा, कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास ब्रायो और हुर जो है, इनसे जो है हमारा वाक्य क्या होता है, शुरू होता है। किनसे? एलास से, ब्रायो से और हुर से। तो हमको ये जानना है कि एलास किस चीज को इंडिकेट करता है, ब्रायो किस चीज को इंडिकेट करता है, हुर किस चीज को इंडिकेट करता है। तो एलास, आप जान जाए कि एलास इंडिकेट सारो, एलास का मतलब होता है आह। ये एलास जो है हमेशा ये दुख को इंडिकेट करता है, ये जो ब्रायो है ये जो है हमेशा प्रशंसा को इंडिकेट करता है, अहुर जो है ये खुशी को इंडिकेट करता है। क्योंकि अंटिल यू नो दैट एलास ब्रायो एंड हुर व्हाट थिंग्स आर इंडिकेटिंग, यू कैन नॉट कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि एलास किस चीज को इंडिकेट करता है, ब्रायो किस चीज को इंडिकेट करता है और हुर किस चीज को इंडिकेट करता है, तो अब आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो एलास दुख को इंडिकेट करता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं इट इज मैटर ऑफ जॉय, इट इज मैटर ऑफ जॉय। और ब्रायो को हम लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ फ्रेज माने क्या होता है, प्रशंसा। और इसको लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ जॉय। ये है। अब आपको हम जो है ब्रायो इज इंडिकेटिंग इज मैटर ऑफ फ्रेज माने क्या होता है, प्रशंसा करना। इट इज मैटर ऑफ जॉय, आपका जो एलास है इट इज, ये आपका इट इज मैटर ऑफ सारो, हाँ इट इज मैटर ऑफ सारो, एस ओ डबल आर ओ डब्ल्यू होता है ये दुख को, इट इज मैटर ऑफ सारो, ये दुख को इंडिकेट करता है। और ब्रायो जो है प्रशंसा को, और हुर जो है आपका जो है खुशी को इंडिकेट करता है। लास्ट में By giving some example, I want to explain it more easily. आपको कुछ उदाहरण दे करके मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं, और जिससे टॉपिक्स पर आज हम लास्ट चर्चा कर रहे हैं। और जैसे आपका हो गया कि एलास ही डाइड सो यंग, तो ये सेंटेंस है बहुत ही आसान है, ये एलास ही डाइड सो यंग। अब इस वाक्य को हमको असर्टिव में बदलना है, असर्टिव में इसको अब बदलना है। तो पहले आप ये जान जाइए कि यह जो है कि ये जो वाक्य है किस प्रकार का वाक्य है। आपको पता है यू एज यू नो दैट देर आर फाइव काइंड ऑफ सेंटेंसेस, वट इज वन ऑफ दिम, आपको पता है कि वाक्य पांच प्रकार के होते हैं और उन पांचों में से किस प्रकार का वाक्य है। ये देखिए एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है, ये एक्सक्लेमेटरी का वाक्य है। और हम तो जान गए कि अभी एक्सक्लेमेटरी का वाक्य है और यहाँ असर्टिव बदलना है, और इसको हम एलास जो है दुख का प्रतीक है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं इट इज मैटर ऑफ सारो, क्योंकि दुख का बात है, दुख का मामला है,
तो इट इज मैटर ऑफ सारो। अब वाक्य आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, दैट से जोड़ दीजिए, इट इज मैटर ऑफ सारो दैट ही डाइड सो यंग। तो ये दुख की बात है कि वह इतना युवा काल में ही मर गया। एक उदाहरण मैं आपको और दे दूं चलते चलते जो है, जैसे आपका है कि ब्रायो, ब्रायो यू हैव डन वेल। ब्रायो का मतलब होता है हम साबस, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। तो इसको यहाँ प्रशंसा की बात है क्योंकि ब्रायो से प्रशंसा का भाव पैदा होता है, प्रशंसा किसी की, प्रशंसा किसी की बड़ाई की जाती है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज मैटर ऑफ फ्रेज। और यहीं से इट इज मैटर ऑफ फेस, नाउ यूजिंग दैट वी ज्वाइन बोथ सेंटेंसेस प्रिंसिपल एंड सबॉर्डिनेट क्लास, इट इज मैटर ऑफ फ्रेज दैट यू हैव डन वेल। तो और लास्ट में आपको हम बता दें, जैसे एक उदाहरण आपका आ गया हुर, वी स्टूड फर्स्ट इन आवर क्लास। तो हुर वी स्टूड फर्स्ट इन आवर क्लास, हुर एज यू नो हुर इंडिकेट द जॉय एंड हैप्पीनेस, हुर जो है हमेशा खुशी को प्रकट करता है, इसका मतलब यहाँ खुशी की बात है। तो हम लिख सकते हैं इट इज मैटर ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस दैट वी स्टूड फर्स्ट इन आवर क्लास, तो इस तरीके से हमने जो है आज जो है आपको इन माई टू वीडियो, फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो, आई टॉट यू ऑल टू कन्वर्ट असर्टिव सेंटेंस इंटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड टू कन्वर्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंटू असर्टिव इंटू एक्सक्लेमेटरी। तो इस तरीके से मैंने आपको दो वीडियो के माध्यम से असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में आपको मैंने समझाया है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण, कुछ आपको होमवर्क दे दूं और आप उसको करिएगा, जो भी दिक्कत होगा आप इस कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा। और क्योंकि आप होमवर्क नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अभ्यास नहीं होगा, आपको जानकारी नहीं होगी। आप लिखिए होमवर्क, क्योंकि दो दिन पढ़ाया हूँ, दो दिन पढ़ाने के बाद आपको होमवर्क देना ज़रूरी है। आप लिख लीजिए हाउ लवली द रोज इज, इसको बदलना है असर्टिव में। ये पहला होमवर्क है। सेकेंड होमवर्क आप नोट करिए जो है कि इफ ओनली आई कुड सी माई फादर अगेन,
तो इसको असर्टिव में आपको बदलना है। तीसरा होमवर्क है, आप लिखते चलिए। तीसरा आपका है व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज इट इज, इसको भी आपको असर्टिव में बदलना है। और अब जो है आपका कुछ जो है असर्टिव से जो है आपको एक्सक्लेमेटरी में एक तो और लिख लीजिएगा, एक और लिखिए आप लास्ट में जो है, देखिए द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। चौथा है द ताज महल इज वेरी ब्यूटीफुल, इसको आपको बदलना है एक्सक्लेमेटरी में, एक्सक्लेमेटरी में बदलना है। और लास्ट आप लिखिए अब जो है अंतिम क्वेश्चन जो है हमारा है कि देखिए दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, तो इसको आपको बदलना है एक्सक्लेमेटरी में। तो इस तरीके से मैंने अपने पहले और दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको मैंने ये अपना जो टॉपिक्स जो चल रहा था असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में और एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलना मैंने आज आपको सिखाया है। अब आप होमवर्क को करिएगा और जो भी इसमें त्रुटि हो, जो गलती हो, जो आपको नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा और आप पूरे होमवर्क को कर डालिएगा। इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद, कोटि कोटि और बाय।